हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज टीए एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन मनी एज यूजुअल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है जहां हम लोग सीखने वाले हैं फेसबुक पेज क्रिएट करने का, कैसे क्रिएट करना है और क्यों क्रिएट करना है, और बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करना है, प्लस मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, ये तीन चीजों के बारे में सीखने वाले हैं। पहले मैं ये वीडियो नहीं क्रिएट करने वाला था, बट मैंने कहा है इस सीरीज को बनाने से पहले, और जब से ये सीरीज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तब से मैंने एक चीज कहा है कि ये जो सीरीज है ये बिगिनर टू एक्सपर्ट है। मतलब ऐसा बंदा जो कुछ भी नहीं जानता फेसबुक के बारे में, फेसबुक एड्स के बारे में, वो भी एड क्रिएट करेगा एक्सपर्ट लेवल पे बार बार प्रैक्टिस करके। तो इसलिए बस ये वीडियो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं ये वीडियो नहीं रिकॉर्ड करता, बिकॉज यहाँ बहुत कॉमन चीजें मैं बताने वाला हूँ जो बहुत अच्छे लेवल पे है अभी, जो यूज कर रहे हैं फेसबुक एड्स को, उनके लिए वीडियो नहीं है। अगर आप अच्छा खासा फेसबुक एड यूज करते तो आपके लिए वीडियो नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, आप स्किप कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करो, बिकॉज ये जो चीज आप करोगे इससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, फ्री की नॉलेज मिलेगी और बहुत सारा ज्ञान, मतलब बहुत सारा पैसा इस ऑनलाइन इंडस्ट्री में, राइट। इस वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, और सीधा हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा है कि फेसबुक पेज, तो फेसबुक पेज क्रिएट करने के लिए यहाँ पर देखो ऊपर में टॉप में क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट के ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, राइट। पेज, एड, ग्रुप, इवेंट, मार्केट प्लेस, लिस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पेज का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, दो ऑप्शन मिलता है, राइट। पहला ऑप्शन मिलता है बिजनेस और ब्रांड, दूसरा मिलता है कम्युनिटी और पब्लिक फिगर, मतलब जो सोशल वर्क है उसके लिए दूसरा है, और जो पहला है वो है बिजनेस के लिए, ब्रांड्स के लिए, मतलब आपके लिए। तो आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अपने पेज का नाम डालना है, जो भी आप पेज क्रिएट करना चाहते हो, और उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी डालनी है, बस इतना करके आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। अब आपको पेज क्रिएट क्यों करना है ये बता दूं, देखो जो भी आप एड रन करोगे फेसबुक में, राइट, जो भी एड, मान लो आपको एड रन करनी है मोबाइल की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मोबाइल से रिलेटेड एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक आपको सेल करना है एप्पल की सेकेंड हैंड फोन्स, राइट, तो आपको एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा सेकेंड हैंड एप्पल फोन्स, राइट। जब आप ये पेज क्रिएट कर लोगे सेकेंड हैंड एप्पल फोन्स, देन आप इस पेज को लेकर, मतलब ये जो पेज है जो आपने ये क्रिएट किया है, ये पेज को लेकर ही आप एड रन कर पाओगे। बिकॉज जब हम लोग एड सेटअप करते हैं तो वहां एक ऑप्शन आता है कि आप किस पेज के द्वारा, मतलब किस पेज के सहारे आप एड रन करना चाहते हैं। ये दोनों ही चीज में होगा, दोनों ही, मतलब इंस्टाग्राम में भी और फेसबुक में भी, आप पेज का सहारा लेकर ही एड रन कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू। इंस्टाग्राम इसलिए क्योंकि इंस्टाग्राम को भी फेसबुक ओन करता है, ओके तो ये चीजें हैं आपको ध्यान रखना है। तो जो भी आपका नीश हो, चाहे वो वेल्थ से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, या आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके अकॉर्डिंग आपको एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा, और उस पेज के सहारे ही आप एड रन कर सकते हो। मान लो आप सीपीए मार्केटिंग कर रहे हो किसी चीज की, किसी ऑफर की, तो आपको उससे रिलेटेड एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा, और पेज क्रिएट करने से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, लाइक लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है। लोगों का ट्रस्ट मतलब, जैसे कि आप मान लो बेचना चाहते हो मोबाइल, और आपका जो पेज है वो है लैपटॉप का, तो ये दोनों चीजें मैच नहीं कर रही है, तो मैच नहीं कर रही है तो यहाँ ट्रस्ट इश्यू का प्रॉब्लम आता है, लोग आपके पेज को भी देखेंगे। इसलिए आपको पेज काफी अच्छा क्रिएट करना है, और अपने नीश से रिलेटेड ही क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है मैंने बता दिया, बस ये दो स्टेप्स है, कंटिन्यू करोगे और आगे आप समझ जाओगे, बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप फेसबुक चलाते भी हो तो बहुत ज्यादा आपके लिए इजी पड़ेगा, ओके। अब जो नेक्स्ट चीज है गाइस वो है बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, बट मैं अभी फिर से कर देता हूं। आपको गूगल में जाना है, लिखना है बिजनेस मैनेजर, फेसबुक बिजनेस मैनेजर, यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, आपको यहां पर क्लिक करना है क्रिएट अ बिजनेस मैनेजर। अब बिजनेस मैनेजर में क्या होता है, आप बहुत सारे एड अकाउंट हैंडल कर लेते हो, बिजनेस मैनेजर को इसलिए बनाया जाता है, लाइक अगर आपका कोई क्लाइंट है तो आप उसका भी एड अकाउंट एक ही बिजनेस मैनेजर से हैंडल कर सकते हो। देखो यहां पर आ गया है फेसबुक बिजनेस मैनेजर, ठीक है। अब यहां पर जैसे आप create an ad,
तो ये आपको डायरेक्ट ले जाएगा फेसबुक बिजनेस मैनेजर पे। वहां आप बहुत सारे अकाउंट को हैंडल कर सकते हो एक साथ, राइट। यहाँ मेरा क्रिएटेड है इसलिए मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। क्रिएट एंड ऐड में आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ओके। तो ये बहुत ज्यादा ईजी है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप दूसरों के लिए एड रन करना चाहते हो या आप अपने फ्रेंड का या किसी और का भी एड, जो एड सेटअप है, क्रिएट एड का सेटअप है, उसको हैंडल करना चाहते हो, तो आपको बिजनेस मैनेजर की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। बहुत ज्यादा ईजी है गाइस, एक क्लिक में बन जाता है। सिर्फ आपको लिखना है फेसबुक बिजनेस मैनेजर, फिर आपको लिखना है सॉरी फेसबुक बिजनेस मैनेजर आपको लिखना है, फिर आपको ऑप्शन आएगा क्रिएट अ बिजनेस मैनेजर, जस्ट उस पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर आ जाओगे और तुरंत आप इस पर क्लिक करोगे, आपका बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बन जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको आज के आज करनी है, बिकॉज आपको मेरे साथ आगे बढ़ना है। अब लास्ट जो चीज है वो है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो इस जो सीरीज है उससे बाहर थी। ये जो वीडियो आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है हाउ टू सिलेक्ट परफेक्ट एड ऑप्शन, तो यहाँ लिखा है मैंने सिलेक्ट बेस्ट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर योर एड। तो ये जो वीडियो है ये जाके आप तुरंत देखो, क्योंकि ये इसका आधा पार्ट है। यहाँ पर आपको पूरे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है वो समझ में आ जाएंगे और यही जो वीडियो है ये पूरे पार्ट को कंप्लीट करेगी। मतलब इस आई थिंक ये सिक्स पार्ट है, सिक्स पार्ट को पूरा ये जो वीडियो है ये कंप्लीट करेगी। तो मेक श्योर आप जाके इस वीडियो को जरूर देखें। लिंक भी मैं नीचे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, या तो आप चैनल के वीडियो सेक्शन पे जाके आप इस वीडियो को जरूर देखें, सिलेक्ट बेस्ट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर योर एड्स। ये जो है ये जो वीडियो है ये पूरे इस पार्ट को कंप्लीट करेगी, याद रखना है। इसलिए मैं ये वीडियो बहुत ज्यादा शॉर्ट में निपटा रहा हूँ और ये तीनों चीजों पे आपको आज के आज काम करना है। और इसके लिए जो मैंने कहा है कि इस वीडियो को जाके जरूर देखो, तभी आप आगे का काम समझ में आपको आएगा। बहुत धीरे चल रहा हूँ मैं, बहुत डिटेल में चल रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज समझ में आए। आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप इसको जाके खुद से भी देखें, रिसर्च करें, खुद से सेल्फ स्टडी करें, ताकि आपको बहुत अच्छे से एड समझ में आए। तो मेक श्योर आप इस पर काम करें। क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछें, इस वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत सारी और भी चीजें बताने वाला हूं, सेटअप एंड ऑल। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।